हाउ इंडिया इज अबाउट टू टेक ओवर स्पेस, कैसे भारत अंतरिक्ष पर कब्जा करने वाला है। आज के एपिसोड में हम लेटेस्ट स्पेस न्यूज के बारे में जानेंगे कि भारत ने चंद्रमा पर लोगों को उतारने की योजना बनाई है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। 21 अक्टूबर को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रोटोटाइप क्रूड कैप्सूल का एक महत्वपूर्ण परीक्षण किया। एक पैक्ड रोड मैप की घोषणा करने के एक हफ्ते के बाद ही इस मिशन को लॉन्च किया है। इस रोड मैप में जो भारत के अपने एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको चंद्रमा पर उतारने वाला है इसरो। इस रोड मैप पर सबसे महत्वपूर्ण प्रविष्टि एशियाई देश का पहला क्रूड लॉन्च है, जो 2024 के अंत में या 2025 में होने वाला है। यही कारण है कि 21वीं सदी का पहला क्रूड परीक्षण इतना महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य इसके क्रू एस्केप सिस्टम की क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। गगन क्रू मॉड्यूल कैप्सूल को एक लिक्विड फ्यूल्ड वाले सिंगल स्टेज रॉकेट में फिट किया गया है, जिसे इसरो ने इस मिशन के लिए बनाया है। फिर इस व्हीकल को 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया जाएगा। उस पॉइंट पर कैप्सूल के एस्केप मोटर्स ने इसे रॉकेट से दूर फेंकने के लिए फायर किया और इसके बाद ये अपने पैराशूट्स को सुरक्षित रूप से डिप्लॉय कर सकता है और हिंद महासागर में सॉफ्ट टच डाउन करेगा। और जैसा कि इसरो ने बताया है कि इसका टेस्टिंग पूरी तरह से सफल रहा। क्रू एस्केप सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धता है, जो क्रूड स्पेस फ्लाइट को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि हर एक ऑपरेटिंग क्रू मॉड्यूल में क्रू एस्केप सिस्टम एक ही होता है। पैराशूट का उपयोग करने से पहले चालक दल को एक विनाशकारी बूस्टर से दूर करने के लिए हाई पावर्ड वाले थ्रस्टर्स का उपयोग करते हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से जमीन पर वापस लाया जाता है। हमने इसका एक गुड डेमोन्स्ट्रेशन पिछले सितंबर में देखा था, जब चालक रहित नए शेफर्ड को इंजन फेलियर का सामना करना पड़ा और कैप्सूल को बचाने के लिए अपने एस्केप सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सीधे शब्दों में कहें तो यह साबित करता है कि आपकी सेफ्टी सिस्टम्स वास्तविक दुनिया में काम करती हैं। लॉन्च एक बड़ा हर्डल है जिसे दूर करना अच्छा है, क्योंकि इसरो के पास होराइजन के कई बड़े प्लान्स तैयार हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि इनमें से सबसे करीबी गगन क्रूड मिशन है, जिसे 2024 या शायद 2025 में लॉन्च करने का इरादा है। यदि देरी होती है तो यह मिशन क्रू मॉड्यूल को भारतीय एस्ट्रोनॉट्स के फुल रोस्टर्स को साथ ही ऑर्बिट में लॉन्च करेगा और इस बार उन्हें मोर पावरफुल लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट पर ले जाया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि 17 अक्टूबर को एक घोषणा की गई थी। भारत के अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक महत्वाकांक्षी 15-वर्षीय योजना तैयार की गई है और वे यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका इरादा प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक हाई लेवल गवर्नमेंट मीटिंग के ठीक बाद अमेरिका, चीन और यूरोप द्वारा जारी किए गए भारतीय अंतरिक्ष रोड मैप के समान ही है और ये इंडिया का स्केड्यूल आर्टेमिस शेड्यूल से लगभग अधिक पैक है। गगन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की प्रोग्रेस से स्पष्ट रूप से संतुष्ट होने के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार को न्यू एंड एम्बिशियस गोल्स निर्धारित करने का निर्देश दिया। तो अब एक स्पेस स्टेशन के साथ शुरुआत क्यों नहीं की जाए? निष्पक्षता से कहें तो ऐसा लगता है कि हर कोई ऐसा कर रहा है, लेकिन भारत लगभग 2019 से ही अपना खुद का स्टेशन बनाना चाहता है और उनकी हालिया सफलता के साथ ऐसा निश्चित रूप से लगता है कि उनके पास इसे शुरू करने की विशेषज्ञता है और 2035 तक इस पर एक सीरियस अटेम्प्ट करने की प्लानिंग बना रहे हैं। ध्यान रखें कि किसी भी मिशन रोड मैप की तरह इसरो की ये नई योजनाएं परिवर्तन के अधीन हैं, लेकिन 11 साल काफी संभव लगते हैं और घोषित किए गए कुछ अन्य मिशनों के लिए कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं है अभी तक। लेकिन उनमें अपनी लैबोरेटरी का एक्सपेंशन, एक न्यू रॉकेट का डेवलपमेंट जिसे वर्तमान में नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, इसके साथ वीनस ऑर्बिटर और एक मार्स लैंडर जैसी चीजें शामिल हैं। एंड फाइनली द बिग गोल, भारत 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों की एक स्वतंत्र टीम भेजना चाहता है। चंद्रयान और गगन मिशनों की एक विस्तारित श्रृंखला के हिस्से के रूप में इसरो बता रहा है कि इसका उद्देश्य अगले दशक के अंत तक चंद्रमा की सतह पर एक भारतीय दल यानी क्रू को तैनात करना होना चाहिए। और हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं इसे थोड़ा सा साहसी, पर मुझे नहीं लगता कि यह पहली नजर में होने जैसा है, क्योंकि इसरो ने पहले ही बहुत कुछ अकॉम्प्लिश्ड कर लिया है। 2013 में उन्होंने मंगल ऑर्बिटर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था और इसे लगभग 8 वर्षों तक स्मूथली ऑपरेटेड रखा था और इस साल वे अपनी मून लैंडिंग टेक्निक को सही करने में सक्षम रहे और अपने चंद्रयान 3 व्हीकल को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में यानी मून के साउथ पोल रीजन पर सक्सेसफुली लैंड करने वाली फर्स्ट कंट्री बने। और उसके ठीक एक महीने बाद उन्होंने अपना पहला सोलर ऑब्जर्वर आदित्य L1 लॉन्च किया। इंडिया इज काइंड ऑफ किलिंग इट लेटली, इसीलिए हमें नहीं लगता कि यह रोड मैप हासिल किया जा सकता है, बल्कि इसका कारण है कि वे इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे हमें विश्वास हो गया है कि भारत अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए स्लो मेथोडिकल अप्रोच अपना रहा है।
वे अपने साधनों के भीतर इम्प्रूवमेंट करते हैं और एबिलिटी को टेस्ट करके सुधार करते हैं और फिर इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। चंद्रयान मिशन इसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है, लेकिन इससे भी अधिक वे उन मिशनों को पूरा कर रहे हैं जो अन्य लोग सूक्ष्म बदलावों के साथ पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने वाइजली देखा है कि अन्य एजेंसियों ने क्या किया है और इसरो ने इन चैलेंजेस को निपटने का अपना तरीका निकाला है। मार्स ऑर्बिटर एक टेक डेमोन्स्ट्रेशन था। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला यान था। आदित्य L1 कोरोनल हीटिंग रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, जिसने सदियों से फिजिसिस्ट को आश्चर्यचकित कर दिया है। और अब भारत अपना पहला क्रूड मिशन लॉन्च करने का प्रयास कर रहा है और तुरंत योजना बनाना शुरू कर रहा है। एक ही दशक के भीतर एक स्पेस स्टेशन और मून लैंडिंग मिशन, ये सब करने की प्लानिंग शुरू है और वे इसे अकेले नहीं करेंगे। 2035 तक अन्य एजेंसियां और प्राइवेट कंपनियां इस बारे में अधिक डेटा एकत्र कर लेंगी कि एक मॉडर्न स्पेस स्टेशन का निर्माण कैसे किया जा सकता है। वे ब्लू ओरिजिन्स, न्यू ब्लू रिंग स्पेस जैसे इन कमर्शियल ग्रुप से हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित रूप से 2040 तक आर्टेमिस प्रोग्राम ने लूनर गेटवे स्टेशन का निर्माण किया होगा, जो इसरो को चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम लाने में मदद कर सकता है। अब तक भारत अपने मिशन विकल्पों के बारे में बहुत व्यावहारिक रहा है। उन्होंने हर अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज किया है और वे पुरानी एजेंसियों पर निर्भर रहने में गर्व महसूस नहीं करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वे इन सभी मिशनों को अगले 15 वर्षों में पूरा कर सकते हैं, तो हमें शायद एक शो के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इसरो इसे डेफिनेटली सक्सेसफुली करके दिखाएगा। क्या आपको पता है क्यों नासा फिर से मून पर जाने से डरता है? ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ पता चलेगा। इसका लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में है। वेल, इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एंड इस चैनल पर आपको ढेर सारे ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे, इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वन।